नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन चोरों का पुलिस ने पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 16 दोपहिया वाहन जब्त कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,62,000 रुपए बताई जा रही है। वादी की स्प्लेंडर गाड़ी एक अज्ञात चोर द्वारा चुराई गई थी। वादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीताबर्डी नागपुर क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के लिए वरिष्ठों से आदेश प्राप्त हुए थे। इसलिए जांच दल के वरिष्ठ अधिकारी और CCTNS के माध्यम से त्वरित जांच के बाद आरोपी को वार्ड नंबर 15 पोनार खुर्द तहसील बरघाट जिला शिवनी मध्य प्रदेश से और दूसरे आरोपी को समतानगर नागपुर से गिरफ्तार किया और 16 दुपहिया वाहन आरोपियों की हिरासत से जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 4,62,000 रुपए थी। कीमती सामान को जब्त कर कुल 16 अपराध प्रकाश में आए। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बर्डी पुलिस स्टेशन के एरिया में से बहुत सी टू व्हीलर गाड़ी जो चोरी हो रही थी, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया था हमारे जो DB टीम है उसके PSI मगर, API कदम और बाकी DB टीम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि पूरा सर्वेलेंस रखने के लिए। उसमें ये जो फिरियादी की एक गाड़ी का हमें CCTV फुटेज मिला, तो हमारे DB टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। CCTV फुटेज से लगभग 50 से 60 CCTV फुटेज देख के और एरिया का डम डाटा और मोबाइल का सर्वेलेंस करके टेक्निकल तपास करके उसमें से एक आरोपी जो पुनीत गायकवाड़ है उसको हमने शिवनी मध्य प्रदेश में ट्रेस किया था। उसी दौरान वर्कआउट करते करते वो हमें लोकेट हो गया शिवनी मध्य प्रदेश में, तो उसको ताबे में लिया। उसका दूसरा जो जोड़ीदार है श्याम हरेन खेड़े, उसको भी हमने नागपुर से ताबे में लिया। उनके पास इंट्रोगेशन करने के बाद में उन्होंने कबूली दिया और उनकी कबूली से हमने लगभग 16 टू व्हीलर व्हीकल्स हमने शिवनी मध्य प्रदेश से बरामद किए हैं। ये सब टू व्हीलर जो है उसमें सब पूरे नागपुर सिटी से चुरा के वो शिवनी मध्य प्रदेश में जाके वो बाकी लोगों को बेचा था। कुछ पैसे के लिए उसने ये सब किया था, ऐसा अभी फिलहाल इंक्वायरी में चल रहा है। उसमें एक और उनका जोड़ीदार जो है वो और तीसरा साथीदार जो है वो उसको अरेस्ट करना बाकी है। इसमें हमें उम्मीद है कि उसमें और इंट्रोगेशन हमारा चालू है, हमें उम्मीद है कि और भी कुछ गाड़ियां रिकवर हो सकती है इसमें। सर, दो आरोपी है, अभी तक तो उनका कुछ रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन एक आरोपी है जो पुनीत गायकवाड़ और दूसरा आरोपी है श्याम हरेन खेड़े, ये दोनों आरोपी है उनको अरेस्ट किया है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।